आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं निष्ठा जावड़े स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ. शुरुआत में एक नज़र आज के सुर्खियों पर. भारत नाम के उपयोग से विरोधी दल भड़के, बैनकनहली सावगा रोड पर लोमड़ी की आवाज आई. खानापुर तहसीलदार कार्यालय में श्री कृष्ण जयंती का उत्सव. दही हंडी आयोजन के लिए हर जगह तैयारी. रिंग रोड के लिए भर फसल में पोल गाड़ने से नाराजगी. विश्वकर्मा समाज बंधुओं का भव्य मार्च. बैठक में नगर पालिका निरीक्षक को आया चक्कर. मारकंडा फैक्ट्री की ओर से किसानों की बैठक हुई. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 सितंबर को दिल्ली में G20 देशों के समूह की शिखर बैठक के मौके पर सरकारी रात्रि भोजन का आयोजन किया है, जिसके लिए राष्ट्रपति भवन से भेजे गए निमंत्रण पत्र में इंडिया की जगह भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है. भारत के राष्ट्रपति के राज्य पत्र में आश्चर्यजनक बदलाव ने मंगलवार को राजनीति बहस छेड़ दी. हालांकि केंद्र सरकार ने संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है, लेकिन प्रमुख मुद्दों को अभी भी गोपनीय रखा है. इस बीच राष्ट्रपति के गजट से इंडिया शब्द गायब हो गया है और भारत का उल्लेख किया गया है. ऐसी भी संभावना है कि संसद के विशेष सत्र में संविधान संशोधन के जरिए इंडिया शब्द को हटाकर देश का नाम सिर्फ भारत रखा जाएगा. बैनकनहली सावगा रोड पर लोमड़ी की आवाज आई. नगर क्षेत्र में लोमड़ियों के उत्पात से वन विभाग की सिरदर्दी बढ़ गई है. इस बीच बुधवार सुबह करीब 10 बजे बैनकनहली सावगा रोड के पास खेत में एक और लोमड़ी दिख गई है. बैनकनहली सावगा रोड पर आज सुबह सड़क के किनारे मोटर चालकों को खेत में एक लोमड़ी घूमते नजर आई, तभी कुछ ने उनकी तस्वीर ले ली. इस घटना से दहशत फैली है. खानापुर तहसीलदार कार्यालय में श्री कृष्ण जयंती का उत्सव. सरकारी निर्देशानुसार खानापुर में भी सरकारी कार्यालय की ओर से मनाया जा रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया. खानापुर तहसीलदार कार्यालय आए विठ्ठलराव हलगेकर द्वारा श्री कृष्ण फोटो का पूजन कर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया. आरंभ में इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताया गया. इसके बाद प्रमोद कोचेरी, धनश्री सरदेसाई, संजय कुबल ने श्री कृष्ण के जीवन पर अतिरिक्त भाषण दिए. कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के सदस्य एवं नागरिक ने बड़ी संख्या में भाग लिया. दही हंडी आयोजन के लिए हर जगह तैयारी. शहर में बुधवार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव शुरू हो गया है. शहर में कई स्थानों पर दिन भर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत एवं घर घर पूजन एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम किए गए. सोशल मीडिया के जरिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी गई. गुरुवार को आधी रात को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद शहर में दही हंडी समारोह मनाया जाएगा. इसके लिए युवा मंडलों ने सफलतापूर्वक तैयारी कर ली है. गवई बंधुओं के साथ विभिन्न युवा समूह शहर के कई स्थानों पर दही हंडी का आयोजन करते हैं. इसके लिए तैयारियां अभी से तेज कर दी गई है. दही हंडी को ग्वालों के उत्साह के त्योहार के रूप में मनाया जाता है. कई स्कूल भी इस त्योहार का आयोजन करते हैं. रिंग रोड के लिए भर फसल में पोल गाड़ने से नाराजगी. किसानों ने रिंग रोड परियोजना पर कड़ा विरोध जताया है. साथ ही हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को जगह जगह से पीछे किया जा रहा है. हालांकि किसानों के इतने कड़े विरोध के बावजूद सरकार ने अपना प्रशासन जारी रखा है. इससे किसानों की ओर से कड़ी नाराजगी व्यक्त की जा रही है. बेलगुंदी में भर फसल में पोल गाड़ने जाने से किसानों ने नाराजगी व्यक्त की है. वर्तमान समय में किसान विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है. हालांकि कड़ी मेहनत के कारण अब शकरकंद की फसल अच्छी हो रही है. इस समय भर फसल में रिंग रोड के लिए मार्किंग की जा रही है. इसके लिए पत्थर और खंबा अभियान शुरू किया गया है. किसानों ने चेतावनी दी है कि समय रहते इस तरह की चीजों को रोका जाए, नहीं तो किसान जोरदार आंदोलन करेंगे.
विश्वकर्मा समाज बुद्धों का भव्य मार्ग। विश्वकर्मा समाज को अन्य पिछड़ी जाति का दर्जा दिया जाए मांग को लेकर श्री विश्वकर्मा सेवा संघ द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से भव्य मार्च निकाला गया। शासन को ज्ञापन सौंपा गया। श्री विश्वकर्मा सेवा संघ अध्यक्ष रमेश देसुरकर एवं अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में उपरोक्त मांग का बयान कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर बाड़ू सुतार, सचिव राजू सुतार, उप सचिव ज्योतिबा लोहार, संदीप बंडोलकर, अरुण देसुरकर आदि सहित विश्वकर्मा समाज के सदस्य उपस्थित थे। कित्तूर चन्नम्मा सर्कल से जोरदार विरोध प्रदर्शन के साथ निकाले गए इस मार्च में बेलगाम शहर और जिले के अधिकांश विश्वकर्मा समाज के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में नगरपालिका निरीक्षक को आया चक्कर। बुधवार सुबह एक घटना घटी जब बेलगाम नगर निगम के राजस्व विभाग की बैठक में मानसिक तनाव के कारण एक अधिकारी को चक्कर आ गया और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज सुबह बेलगाम नगर निगम में उपायुक्त रेशमा तालीकोटी की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की बैठक बुलाई गई थी। शहर से राजस्व संग्रह की वर्तमान स्थिति, राजस्व संग्रह उस समय सदमे में आए श्रीकांत इराले उपायुक्त को जवाब देते समय अचानक अपनी सीट पर गिर पड़े। हाई ब्लड प्रेशर और चक्कर आने से उनकी हालत अचानक बिगड़ गई। इस समय बैठक में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और भाग गए। इसके बाद राजस्व अधिकारी श्रीकांत इराले को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। मार्कंडे फैक्ट्री की ओर से किसानों की बैठक हुई। वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के पूर्व वैज्ञानिक सुरेश माने पाटिल ने किसानों को अपने काम करने के तरीकों को बदलने और आधुनिक तकनीक का उपयोग करने की सलाह दी। मार्कंडे सहकारी चीनी कारखाने की ओर से मंगलवार को एक किसान बैठक का आयोजन किया गया। इस समय फैक्ट्री संचालक तानाजी पाटिल, आर आई पाटिल, पूर्व महापौर शिवाजी सुंटकर, मराठी सहकारी बैंक के अध्यक्ष दिगम्बर पवार और अन्य ने सभा का उद्घाटन किया। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा नए निदेशक का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, टूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, आराधना मारुति गली बेलगाम मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। येलूर ग्राम पंचायत को अमृत ग्राम पंचायत पुरस्कार के माध्यम से धनराशि प्राप्त हुई, जिसमें से येलूरवाड़ी स्कूल को उनकी मांग के अनुसार धनराशि प्रदान की गई। इसके बाद वाड़ी स्कूल में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई। इस क्रम में शासन के आदेश अनुसार विद्यालय में यूकेजी व एलकेजी की कक्षाएं शुरू की गई। इस अवसर पर पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल और उपाध्यक्ष प्रमोद पाटिल द्वारा स्मार्ट पैनल का अनावरण भी किया गया। इस अवसर पर बीईओ एवं शिक्षण स्टाफ उपस्थित थे। श्री गणेश महोत्सव में प्रस्तुत किया गया एक पात्र का नाटक। यह एकालाप विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा आयोजित श्री गणेश महोत्सव में वरहात चले लंदन को प्रस्तुत किया गया था। माधव कुंटे ने अपने बेहद सहज अभिनय से प्रशासकों की सहज सराहना हासिल की। उन्होंने विभिन्न पात्र की भूमिकाएं समान शक्ति से निभाई। अभिनय के साथ साथ बीच बीच में आवाज बदलना, बीच बीच में नाक मोड़ना, लंदन वासियों की बातें और भारतीय ग्रामीण जीवन के पहलू सामने आए। हंसी से भरे डायलॉग्स ने आज दर्शकों को खूब हंसाया। कार्यक्रम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। गणेश महोत्सव के आयोजकों की ओर से उनका स्वागत किया गया और धन्यवाद दिया गया। उजगांव हिंडलगा क्षेत्र में दो दिन तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। हेस्कॉम के 110 केवी सबस्टेशन पर ट्रांसफार्मर स्थापना का कार्य किया जाएगा। इसीलिए हेस्कॉम ग्रामीण विभाग ने सूचित किया है कि उजगांव और हिंडलगा क्षेत्र के कुछ गांवों की बिजली आपूर्ति गुरुवार सुबह 6 बजे से शुक्रवार शाम 8 बजे तक बाधित रहेगी। उजगांव क्षेत्र में बिजगरनी, बोकमूर, कावड़ेवाड़ी, बेवलट्टी, बकमूर, बेलगुंदी, सोनोली, एड़े बैल, राकस कोप, कुद्रेमनी, कल्लेहोल, बेलगुंदी औद्योगिक इस्टेट, उजगांव,
बासुरते बेकनकेरी सुलगा तुरमुरी कोनेवाड़ी गांव में बिजली आपूर्ति बाधित होगी। बूढ़ा बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा। बेलगाम सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में और नई बस्तियां बनते समय अवैध बस्तियां नहीं बनाई जानी चाहिए, जन सुविधाओं की योजना बनाई जाए, यह सुझाव मंगलवार को बूढ़ा की बैठक में दिया गया। भूखंडों की ई नीलामी प्रक्रिया के लिए जमा राशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। अवैध बस्तियों के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसकी भी कॉलोनी को अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि नियमों का पालन किया जाए, यह सुझाव लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली ने दिया था। मंगलवार को बूढ़ा कार्यालय में मासिक बैठक हुई। इस मौके पर मंत्री सतीश जारकिहोली और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाड़कर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। बापड़गली गणेश मंडप की मुहूर्त पूजा संपन्न। सार्वजनिक गणेश उत्सव नवहिंद युवक मंडल का गणेश मंडप मुहूर्त मेद समारोह बापड़गली में आयोजित हुआ। मंडप का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता गणेश आचार्य एंजल फाउंडेशन की अध्यक्ष मीना बेनके ने किया। इस अवसर पर गणेश उत्सव मंडल अध्यक्ष लोकनाथ राजपूत, उपाध्यक्ष सतीश गवाने, सचिव चेतन किल्लेकर, कोषाध्यक्ष राजू पवार, विनायक मुरकुटे सहित महिला मंडल सदस्य उपस्थित थे। विरोधी गुट पर रमेश जारकिहोली का आरोप। मैं बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भाजपा में ही रहूंगा और सत्तारूढ़ दल बिना वजह अफवाह फैला रहा है, ऐसा आरोप विधायक रमेश जारकिहोली ने किया। उनका आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही असंतोष है और इसे छुपाने के लिए कांग्रेस की ओर से तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। जारकिहोली ने कहा, कांग्रेस पार्टी में कुछ नेताओं की कूटनीति से कई लोग असंतुष्ट है, ऐसे में राज्य में बीजेपी में भ्रम पैदा करने की साजिश शुरू हो गई है, इसीलिए कई लोगों के मामले में ऐसी अफवाहें फैला दी जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खुद बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। हिंडलगा क्षेत्र में मंदिर निर्माण का शुभारंभ। हिंडलगा ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकार में लक्ष्मी नगर में आर्मी क्वार्टर में गणेश मंदिर, शिव मंदिर, जयनगर में सरस्वती नगर में मारुति मंदिर निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम खत्म हो चुका था। भूमि पूजन महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाड़कर ने किया। इस समय लक्ष्मी हेब्बाड़कर का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर युवराज कदम, हिंडलगा ग्राम पंचायत अध्यक्ष चेतना अगस्केकर, सदस्य विट्ठल देसाई, राहुल उरनकर, प्रवीण पाटिल, सीमा देवकर, देवस्थान समिति के अधिकारी उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।